नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं और आज भी ऐसी ही कुछ जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। किसान भाइयों बहनों, बरसात के मौसम में खेतों में नमी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसका असर होता है हमारी फसलों पर। उनमें कीटों और बीमारियों का खतरा लग जाता है और ऐसा ही असर देखने को मिलता है गन्ने की फसल पर भी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम मुख्य तौर पर इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गन्ने में कीटों और बीमारियों का नियंत्रण आप किस प्रकार करें और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋतु बोरा ने हमारे विशेषज्ञ से विस्तृत बातचीत की। आइए उसी पर डालते हैं एक नज़र। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में लगने वाले कीड़े एवं रोगों के बारे में, साथ ही उसके प्रबंधन के बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। जानकारी देने के लिए आज हम बात करेंगे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुशील से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गन्ने में लगने वाले मुख्य रोग एवं कीट कौन कौन से हैं, बीमारी कौन कौन सी लगती है गन्ने में। गन्ने में जो प्रमुख रूप से लगभग 2 दर्जन हमारे कीट हैं और लगभग 1 दर्जन बीमारियां हैं जो अक्सर करके आर्थिक क्षति करती हैं। सो अगर गन्ने को देखें, पूरे पौधे को अगर आप देखें, तो उसमें मिट्टी में भी कुछ कीड़े लगते हैं, जैसे दीमक हो गया, सफ़ेद गिडार हो गया, और मिट्टी के ऊपर भी कीड़े लगते हैं और उसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकार के बोरर्स लगते हैं, जैसे जो छेद करके, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो टॉप बोरर है। अब ये एक प्रकार का कीट है जो कि टॉप से लगता है, इसको नाम ही इसीलिए टॉप बोरर है, ऊपर से लगता है और ये जैसे आप पत्ती को देखेंगे, पत्ती में छेद छेद बन जाता है बिल्कुल, हाँ पीली भी पड़ जाती है बाद में, और अंदर घुस करके ये कीड़ा नुकसान पहुंचाता है और इससे क्या होता है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और जब बढ़वार रुक जाती है तो साइड से ब्रांचेज निकलते हैं। जैसे ये ब्रांच निकला है साइड से, इसमें ब्रांचेज निकलते हैं तो इससे काफ़ी क्षति होता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर इस कीट को भी देखें तो ये कीट है, अगर आप देखें तो ये कीट है, ये इसके अंदर ये कीट अगर आप हाथ में अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, ये कीट है, ये ऊपर से हाँ ऊपर से आता है और अंदर जा कर के ये कीट क्षति पहुँचाता है। तो इस कीट से अगर शुरुआत अवस्था में अगर कीड़ा ये लग गया टॉप बोरर, तो इससे गन्ने की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है और गन्ना छोटा रह जाता है। बाद की अवस्था में अगर कीड़ा लगता है, जैसे अगस्त सितंबर के बाद जब गन्ना पूरा बड़ा हो जाता है उसके बाद लगता है तो क्षति कम होती सितंबर अक्टूबर के बाद, परंतु अभी जैसे महीना जो चल रहा है इस शुरुआत के महीनों में अगर लगता है तो गन्ने की काफ़ी ज़्यादा पैदावार की हानि होती है। सर, टॉप बोरर की अगर बात करें तो किस तरह से इसको रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए हम लोग जो मुख्य रूप से कुछ जैविक नियंत्रण के कीट हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें कि ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा कीट का प्रयोग करते हैं, 50,000 कीट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको खेत में कार्ड को स्टपल कर देते हैं और इसको जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 10-10 दिन के अंतराल पे खेत में लगाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ये तो हुआ इन कीड़ों के अंडों को मारता है ट्राइकोग्रामा, इसी प्रकार से इसके लिए लार्वल कुछ पैरासाइट होते हैं जो इसके लार्वा सुंडी वाली जो अवस्था रहती है उसको मारने के लिए कुछ हमारे पैरासाइट हैं, जैसे स्टेनोब्रकान है, ट्राइकोनोटस है, आइसोटीमा जेवेंसिस है, इस प्रकार के कीट हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं और खेतों में इसको डालने से इसको कंट्रोल कर लेते हैं जी। तो आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा बताइए कीड़ा कौन सा लगता है। अब जैसे ये देखें, ये भी एक कीड़ा है जो कि काफ़ी क्षति पहुंचाता है, ये बीच बीच में गन्ने के खेत आप देखेंगे अक्सर करके गन्ने में बीच बीच में छेद करके दिखाई देता है। इसका क्या नाम है सर? ये स्टॉक बोरर बोलते हैं, ये कीड़ा भी काफ़ी क्षति पहुँचाता है स्टॉक बोरर। और इसी तरह से इंटरनोड बोरर है, जो इंटरनोड बोरर बीच में गन्ने में आप देखेंगे ये आरी नुमा ये गन्ने को काट देता है, अंदर से कीड़ा होता है और इसको काट करके आरी नुमा ये काट करके नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको खोलेंगे तो इसके अंदर कीट नीचे अंदर में मिलता है। तो जैसे आपने सर स्टॉक बोरर के बारे में बताया, इसकी रोकथाम किस तरह हमारे किसान कर सकते हैं? जैसे स्टॉक बोरर है या इंटरनोड बोरर है, इन कीड़ों के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया ट्राइकोग्रामा के जो कीट है कार्ड को खेत में लगा दें,
इसके अलावा हमारे कोटेसिया फ्लेविप्स नामक एक लार्वल पैरासिटाइट है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ जैविक नियंत्रण, चूँकि हमारे किसान भाई कई बार क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं, तो हमारे ये जैविक नियंत्रण के जो हमारे कीट बड़े छोटे होते हैं, साइज़ में भी छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और थोड़ा भी पेस्टिसाइड का अगर प्रयोग होता है तो वो मर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करें, और दूसरा इनके कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है तो कुछ ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं सर, अगला जो कीड़ा है वो बताइए कौन सा। ये भी एक कीड़ा है जो पिंक बोरर इसको हम बोलते हैं, और अंदर से कीड़ा, हाँ, अंदर से छेद करता है और पिंक कलर का कीड़ा होता है। तो ये कीड़ा भी कई बार क्षति, ये अन्य फसलों में भी क्षति पहुँचाता है, पर गन्ने में भी ये क्षति पहुँचाता है पिंक बोरर, तो ये भी एक कीट है। और इसके अलावा एक कीट अक्सर करके बरसात के टाइम में ज़्यादा दिखेगा, पायरीला। ये अगर इसमें आप देखें, ये जो भूरे रंग के ये तितलियां हैं छोटे छोटे, ये पायरीला कीट है। ये पत्तियों से रस चूस करके और उस पौधे के बढ़वार को रोक देता है, और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके कंट्रोल के लिए भी कुछ प्रेडेटर्स हैं, वो वाले तो नहीं हैं जो ट्राइकोग्रामा, इसके अतिरिक्त इपीरिकेनिया है, और उसका भी प्रयोग करते हैं। तो उसको 4000 से 5000 कोकून को खेत में अगर डाल देते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी किसान के खेत में ये इपीरिकेनिया का प्रेडेटर या पैरासिटाइड नहीं मिल रहे हैं, ऐसी अवस्था में अगर किसी अन्य खेत में भी है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहाँ से लेकर के खेत में डाल सकते हैं। सर, जैसे आपने इतने सारे जो बोरर्स के बारे में बताया, तो इनका जो रोकथाम का जो तरीका है वो समान नहीं है, मतलब सबका एक जैसा ही है, फिर अलग अलग? अलग अलग है, परंतु जैसे कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड, जैसे मैंने बताया अभी, कुछ पैरासिटाइड्स हैं, कुछ जो बायो एजेंट्स हैं जिसका प्रयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, ऐसी अवस्था में आप क्लोरिनट्रेनिलीप्रोल दवा है, उसका 18.5 SC दवा आती है, उसका 375 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका खेत में अगर डाल दें तो कंट्रोल हो जाता है। तो दवाई को पानी वगैरह के साथ, पानी के साथ घोल बना करके। और उसमें एक और कीड़ा है जो अर्ली शूट बोरर बोलते हैं, अगेती कीट है। शुरुआती अवस्था में जब 30 से 40 दिन का जब पौधा होता है, उस टाइम पर वो कीट आता है, तो उस टाइम पर अगर इसको डालें इस दवा को तो कंट्रोल कर लेता है। वो शुरुआत में जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होता है उसी समय वो कीट आएगा और छेद करके नुकसान करता है, और ऊपर का उसका बढ़वार रुक जाती है। तो क्लोरिनट्रेनिलीप्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार, और जैसा मैं बताया टॉप बोरर और दूसरे बोरर्स हैं, इसको भी क्लोरिनट्रेनिलीप्रोल का 375 ml दवा से एक बार अगर आप मई जून के महीने में एक बार प्रयोग कर देते हैं, तो इससे टॉप बोरर का जो जनरेशन्स बनती हैं, एक तीसरी जनरेशन आती है जो जून जुलाई में, और उसके बाद अगस्त के महीने के बाद चौथी जनरेशन आती है, तो ये दोनों जनरेशन तक ये काम करती है, क्योंकि ये दवा काफ़ी 90 दिन से 100 दिन तक एक इसका प्रकोप उसका असर रहता है। तो एक बार दवा प्रयोग करने से भी काम हो जाता है। अगर क्लोरिनट्रेनिलीप्रोल बाज़ार में नहीं आपको मिल पा रहा है, थोड़ी महंगी दवा है, तो आप चाहे तो आप फिप्रोनिल भी यूज़ कर सकते हैं। फिप्रोनिल का, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना? फिप्रोनिल का 5% करके उसकी दवा आती है, तो फिप्रोनिल का दाने में भी आती है, दाने अगर मिलता है तो उसका 18.75 किलोग्राम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर घोल में आता है तो उसका 1 से 1.5 लीटर उसका डोज है, वो उसको कर सकते हैं, घोल बना के कर सकते हैं। ये तो सर हुई कीड़ों की बात, अब बात करते हैं रोगों की। गन्ने में कौन कौन से रोग लगते हैं? इसमें गन्ने में प्रमुख रूप से जो रेड रॉट लगता है, अगर आप देखें ये रेड रॉट है, इसको अगर आप इसको सूंघ के देखेंगे तो जैसे सिरके की महक आती है, उसी प्रकार से इसमें महक आती है। तो ये एक रोग है जो कि गन्ने में काफ़ी प्रकोप करता है। और इसके अलावा इसका क्या नुकसान है, क्या इससे इससे पूरा खेत सूख जाता है, और इसमें अक्सर करके ये, चूँकि गन्ने में बीज गन्ना ही होता है, गन्ने से गन्ना आगे ले जाते हैं, अगर किसी भी खेत से में अगर पहले से रेड रॉट का प्रकोप है, लाल सरण रोग का प्रकोप है, तो उसकी संभावना है कि आगे भी बढ़ जाए। तो किसान भाइयों से तो हम यही कहेंगे कि जब भी आप बीज का चुनाव करें तो ऐसे खेत से चुनाव करें जिसमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो, रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए। और जिस खेत में पहले से ये रोग है तो उसमें कोशिश करें कि एक साल कम से कम गन्ना ना लगाएं, कोई और फसल ले लें, धान ले लें, कोई और फसल ले लें, अगले वर्ष फिर से गन्ना लगाएं, क्योंकि
रोगों के जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सब पहले से ही खेत में अगर हैं तो सब पूरी चांसेस हैं कि वो पुनः खेत आ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ और रोग हैं, एक विल्ट है, सूखा रोग आता है। सूखा रोग में अगर आप देखें तो इसमें पूरा हॉलो बन जाता है, सूख करके बीच में हॉलो बन जाता है। इसी तरह से और भी ये स्कैल्ड है, या ये एक बीमारी देखें इसको, ये इसको स्मार्ट बीमारी, हाँ ये बन जाता है। तो इस तरह के भी रोग आते हैं। तो मुख्यतः रोगों के लिए अगर किसी भी खेत में अगर रोग है तो आप उस खेत से रोग को पहले रोग ग्रसित पौधे को तो निकाल के बाहर कर दें। दूसरी चीज़ कि उस खेत से अगली बार रैटून क्रॉप ना लें। जो खेत एक बार गन्ने में रैटून क्रॉप लेते हैं, एक बार मेन क्रॉप होती काट करके रैटून क्रॉप लेते हैं, तो रैटून क्रॉप को अवॉइड करें। तीसरी बात है कि जब भी आप चुनाव करें बीज का तो हमेशा ऐसे खेत से चुनाव करें जहाँ पर रोग ना हो। और गन्ना लगाते समय भी जब आप छोटे छोटे टुकड़े बना करके गन्ना लगाते हैं उस समय भी आप ध्यान दें कि उसमें रोग ग्रसित कोई गन्ने का बीज पहले से ना हो। अगर बात करें रोगों और कीड़ों की, तो जैसे हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो किस हद तक जो बीमारी है, चाहे वो रोग से लगे चाहे वो कीड़े से लगे, कितना हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप सामान्यतः देखिए, किसी भी रोग या किसी भी कीट को जीरो नहीं कर सकते, आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से अगर सही से ध्यान दें, आप बायोलॉजिकल कंट्रोल के सारे प्रयोग करें, बायो एजेंट्स का प्रयोग करें, ज़रूरत पड़ने पर पेस्टिसाइड, सेफर पेस्टिसाइड सही मात्रा में प्रयोग करें, तो आप 90% तक भी कंट्रोल, 90% 95% तक कंट्रोल कर सकते हैं कीड़ों में, कीड़ों को या बीमारियों को नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर किसान भाई अगर पूरा ध्यान दें, शुरू से ध्यान दें और सावधानी बरतें, और कीट जितने भी हमारे जैविक नियंत्रण के कीट हैं उनका सही प्रयोग करें, तो उन्हें किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना दवा डाले ही वो गन्ने का आसानी से खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे जानकारियों के सिलसिले को। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जब भी हमारी फसल में कीटों या फिर बीमारियों का प्रकोप नजर आता है तो हम क्या करते हैं? रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनकी जगह जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें तो इससे हमारी पैदावार भी प्रभावित नहीं होगी और साथ ही साथ गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। तो फिर आइए, गन्ने की फसल में कीटों की रोकथाम करने के लिए कैसे आप जैविक तरीकों को अपना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि जो कीट और जो रोग लगते हैं हमारे गन्ने पे उसको किस तरह से नुकसान पहुंचता है, लेकिन कौन कौन सा जो तरीका आपने बताया प्रबंधन कि बायो एजेंट्स के इस्तेमाल से भी हम गन्ने में रोग प्रबंधन कर सकते हैं, तो उन बायो एजेंट्स के बारे में हमें बताइए। जी, अगर आप देखें तो ये जैसे ट्राइकोग्रामा की मैं बात कर रहा था, ट्राइकोग्रामा कार्ड तो ये इस तरह के कार्ड्स होते हैं। अब इनमें टुकड़े बना करके, इसके टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े बना करके एक में जैसे आप देखें 20 टुकड़े बन जाएंगे जी। तो इसको खेत में आप लगा सकते हैं। कितनी कितनी दूरी पर लगाना सही रहता है? 10-10 मीटर की दूरी पर आप लगाते, 5-10 मीटर, 8-10 मीटर की दूरी पर आप लगाते चले जाइए। तो इनमें से कीड़े निकल करके, और जो जो मैंने बोरर्स दिखाए उनके बोरर्स के जो अंडे हैं उनको ये कीड़े सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद उनको वो पैरासिटाइज करते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो इस तरह से आप बिना किसी दवा के इन कीड़ों से ही कीड़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग करें।
और इसी तरह से जैसे अगर वो जो ऐसा मैंने दिखाया इल्ली की अवस्था बन गई, तो इल्ली की अवस्था के लिए स्टेनोब्रोकॉन नाइसविल है, ये एक एक प्रकार का कीट है। इन कीड़ों को खेतों में छोड़ते हैं, ये टॉप बोरर के लिए है, विशेष रूप से टॉप बोरर को ज़्यादा करता है, अन्य बोरर पे भी इसका रिपोर्ट है। तो इसको भी खेत में डाल दें, इसका मुश्किल से 100 से 200 कीड़े भी अगर डाल देते तो एक हेक्टेयर के लिए काफ़ी रहता है। और ये इन कीड़ों की खासियत ये है कि एक बार अगर खेत में आपने डाल दिया तो ये उसी में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, सेल्फ परपिचुएटिंग होते हैं, मल्टीप्लाई करते और रहते हैं, नहीं डालने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड में क्या होता है, बार बार आप पेस्टिसाइड डालते हैं, इसमें क्या है कि बार बार डालने की जरूरत नहीं, एक बार आपने डाल दिया तो वो बार बार निरंतर चलता रहता है। इसी तरह से रैकोनोटस है, ये भी एक कीड़ा है जो कि इन बोरर्स पे काम आता है। इसी तरह ये आइसोटीमा जेवेंसिस है, ये भी एक कीट है जो कि इन बोरर्स को कंट्रोल करता है। पोटेशिया है, ये सारे लगभग सारे बोरर्स को कंट्रोल करता है ये वाला कीड़ा। ये उसके कोकून है, इसको खेत में 500 कोकून अगर डाल दें एक हेक्टेयर के लिए काफ़ी रहता है। और इसी तरह से ये एक प्यूपा जो कुछ लार्वे जो हमारे लार्वे हैं वो बाद में प्यूपा में बदल जाते हैं, तो प्यूपा के लिए ये पोटेशिया है, ये कीड़ा भी खेत में अगर डाल दें तो कंट्रोल करता है। तो जैसा मैंने अभी आपसे बोला एक पायरिला के बारे में जो सकिंग पेस्ट है, वो भी कभी कभी प्रकोप इसका होता है। तो ये इसके लिए इपिरिकेनिया के ये कोकून्स हैं, इपिरिकेनिया जो उसको प्रेडेटर है, जो उसके ऊपर खाता है, तो इपिरिकेनिया के ये कोकून्स को खेत में डाल सकते हैं। 4 से 5 हज़ार कोकून अगर खेत में हम डाल दें तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे बायोजेंट्स और भी हैं, कई बायोजेंट्स जो कि खेत में एक्टिव रहते हैं, तो हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अगर समझदारी से करें या ना करें। तो गन्ना एक ऐसा फसल है जो सेमी पेरिनियल टाइप क्रॉप है, ऑलवेज खेत में अवेलेबल रहता गन्ना, तो चूँकि पेस्ट है तो उसके पैरासाइट और प्रेडेटर भी बायोएजेंट्स भी खेत में बने रहते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड का अगर सही से प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और अपने आप वो निरंतर कंट्रोल करते रहते हैं, किसी प्रकार की दवा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने जितने भी ये बोरर्स बताए हैं हमें, टॉप बोरर वगैरह, ये सब पिंक बोरर, तो इनमें से सबसे खतरनाक जो नुकसान सबसे ज़्यादा जो क्षति हमारे इस नॉर्दर्न पार्ट में, ज़्यादा क्षति टॉप बोरर से ही आकी जाती है। कभी कभी ये 30 से 35% तक भी क्षति कर देता है गन्ने में, और इसमें मुख्य बात यह है कि बढ़वार को ही रोक देता है। शुरुआती अवस्था में अगर इसका प्रकोप होता है तो शुरू में ही इतना डैमेज हो जाता है कि गन्ना बढ़ने ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसका प्रकोप ज़्यादा। सही समय पे अगर सही दवा का सही तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो इसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो गन्ने की फसल में कैसे किया जाए कीटों और बीमारियों का नियंत्रण, इसके बारे में अभी आपने जान लिया। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जरबेरा की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में किसान कई वर्षों से पारंपरिक फसलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन बदलते समय के साथ अब उनका रुझान फूलों की खेती की ओर बढ़ रहा है और इसकी खेती को अपनाकर वो अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। किसान कई तरह के फूलों की खेती को अपनाए हुए हैं और उन्हीं में से एक है जरबेरा की खेती। जी हाँ, अगर आप जरबेरा की खेती को अपनाते हैं तो ये आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो कैसे करें जरबेरा की खेती, आइए जानते हैं। खेती शुरू करने से पहले किसानों को सर्वप्रथम अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। जरबेरा की खेती के लिए मिट्टी का सही चयन बेहद जरूरी है। ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जिसमें वायु संचार हो और साथ ही मिट्टी में रेत की मात्रा हो। मेड़ बनाते वक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले जमीन से मेड़ की ऊंचाई कम से कम 50 सेंटीमीटर या लगभग डेढ़ हाथ हो। दूसरे मेड़ की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर या लगभग दो हाथ होनी चाहिए और तीसरा एक मेड़ और दूसरी मेड़ के बीच 3 सेंटीमीटर या लगभग एक हाथ जितनी दूरी होनी चाहिए। इस तरह से पूरे खेत की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए लंबी लंबी मेड़ों का निर्माण कर दिया जाता है। मिट्टी में जैविक खाद मिलाने के बाद मेड़ों का निर्माण शुरू होता है। जरबेरा की पौध को टिश्यू कल्चर की मदद से भी उगाया जाता है। पहले टिश्यू कल्चर से प्राप्त पौधे को एग्रीकल्चर ट्रे में लगा दिया जाता है। इस ट्रे के खानों में कॉकपिट भरा होता है जो पौधों के विकास में सहायक माना जाता है। 15 से 20 दिनों के बाद इन पौधों को बड़े खानों वाली ट्रे में बदल दिया जाता है। नियंत्रित तापमान में पौधों का विकास शुरू हो जाता है। 20 से 25 दिनों के अंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। मेड़ों पर समांतर रेखा में पौध का रोपण किया जाता है। इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों पौधों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर या एक हाथ से थोड़ा कम हो। जरबेरा के पौधों का सफल विकास और स्वस्थ फूलों की प्राप्ति में पानी की एक अहम भूमिका होती है। एक महीने के पौधे को दिन भर में लगभग आधे से पौना लीटर या एक जग पानी की आवश्यकता होती है। ये मौसम के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। बस समय समय पर फव्वारे के जरिए पानी का छिड़काव कर लेना चाहिए जिससे वातावरण में नमी बरकरार रह सके। कम से कम दो बार पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। इस बीच समय समय पर पौधों के विकास के लिए खरपतवारों की निराई होती रहनी चाहिए। दो से ढाई महीनों के पौधों में फूल आने लग जाते हैं और आज आधुनिक तकनीक और पॉलीहाउस के जरिए हमारे किसान देश के किसी भी इलाके में जरबेरा की खेती कर सकते हैं। तीन महीने बाद हमारे किसानों की मेहनत रंग बिखेरना शुरू कर देती है। बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरबेरा के फूल को अनुकूल परिस्थिति में रखा जाए तो ये फूल 8 से 10 दिन तक खिले रह सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें आपने जाना कि कैसे आप कर सकते हैं गन्ने में कीट और बीमारियों का प्रबंधन और साथ ही साथ आपने जानकारी हासिल की जरबेरा की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे कार्यक्रम के लिए अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। अगर आप पत्र के जरिए अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
तो किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।